गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। हेलो एवरीवन दोस्त, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कोई डाउट दोस्त प्रीवियस क्लास का किसी को भी पूछ सकते हैं। हेलो दोस्त, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्त। चलो भैया, कल की क्लास में सब थे, मैप वर्क सबको क्लियर है, चाइना का किसी कोई डाउट कल की क्लास का रिवीजन करना हो तो बताओ। सब लोग थे कल क्लास में, बोलो भाई। स्टार्ट करें फिर आज की कहानी हमारी। कल मैंने आपको थोड़ा बहुत तो बताया होगा ना दोस्त पहले का, कभी प्री 1947 हमारा और चाइना का कैसा रिलेशन था। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, नमस्ते। प्री 1947 हम कल्चरली हम थोड़ा एंशिएंट में जाते हैं, मतलब प्री इंडिपेंडेंस जो हमारा एरा था, हम हमारे इंडिया और चाइना से क्या रिलेशन थे एज अ बुद्धिस्ट कल्चर। चाइना एक बुद्धिस्ट कंट्री है, लेकिन इंडिया में चाइना ओरिजिन हुआ है, लेकिन जो उसको मानती है वो साउथ ईस्ट एशियाई कंट्री। चाहे वो चाइना से हमारा भी बुद्धिस्ट कल्चर है, चाहे हमारा जापान से भी बुद्धिस्ट कल्चर है, या हमारी जितनी भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, लगभग लगभग साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट एशिया में लगभग लगभग एक हमारा कॉमन लिंक है कल्चर का, वो है बुद्धिस्ट रिलीजन। दूसरा मैंने आपको बोला था कि हमारे चाइनीज ट्रेवलर आए थे जिनका नाम था ह्यून सांग। ये आए थे हर्षवर्धन के टाइम पे आए थे। ये एक स्कॉलर थे, ये पढ़ने आए थे इंडिया में, नालंदा यूनिवर्सिटी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, यहाँ पे उन्होंने बुद्धिस्ट का स्कॉलर लिया, बुद्धिस्ट के बारे में जाना और सारी चीजें। सबको एक सेकेंड आ गए ना सभी, नहीं तो बाद में रिपीट मत बोलना। हेलो एवरीवन, ये मैं आपको प्री 1947 इरा बता चुका था कि प्री 1947 में बेसिकली इंडिया और चाइना के जो रिलेशन थे वो बुद्धिस्ट कल्चर था। एक हमारे ह्यून सांग चाइनीज स्कॉलर थे जो इंडिया में आके बुद्धिस्ट रिलीजन को जान रहे थे। और तीसरा मैंने कहा एक हमारा ट्रेड रिलेशन था, ट्रेड रिलेशन जो था वो हमारे चोला एम्पायर से था। चोला एम्पायर भी एक एम्पायर था आपके सदर्न रीजन में, केरला साइड का एक चोला एम्पायर था, उसका भी ट्रेड चलता था हमारा किससे, चाइना से। मेरे को पता था सब आओगे, अभी लेट आओगे, टाइम पे क्यों नहीं आते दोस्त सब लोग। इधर तक मैं कल आपको बता चुका था डॉक्टर कथनिस जो इंडियन डॉक्टर थे, वो उन्होंने चाइनीज के सोल्जरों का सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उन्होंने खूब साथ दिया था और सारी चीजें थी। ये मैंने 1947 के बाद आपको कई चीजें बताई थी, बता चुका हूं सबको, बस रिवाइज करा रहा हूं क्विकली। 1947 इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ और 1948 में चाइना इंडिपेंडेंट हुआ। इंडिया और चाइना लगभग लगभग 80 टाइम पे इंडिपेंडेंट हुए, लेकिन यहां से स्टार्ट हुआ। ये जो चाइना था हमारा, चाइना मानता था हमारी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को, कम्युनिस्ट कंट्री था, और इंडिया बिलीव करता था डेमोक्रेसी पे। बेसिक दोनों में डिफरेंस थे, डेमोक्रेसी होती है लोकतंत्र, यहां पे सबकी सुनी जाएगी। कम्युनिस्ट में होता है वन पार्टी सिस्टम, कोई लोकतंत्र नहीं, किसी की नहीं सुनेगी, एक टाइप की डिक्टेटरशिप होती है।
उसके बावजूद भी इंडिया पहली कंट्री थी जिसने चाइना की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज किया था कि हाँ ये आजाद है 1948 में और ये कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बना सकती है, कोई इशू नहीं है। हर कंट्री की अपनी अपनी आइडियोलॉजी होती है, हर कंट्री के अपने अपने सिद्धांत होते हैं, उस पर चल सकती है। इंडिया पहली कंट्री थी वर्ल्ड में जिसने चाइना को रिकॉग्नाइज किया और उसकी जो पार्टी थी जो आज भी है पीआरसी, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये फॉलो करती थी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के। और इनके जो लीडर थे वो थे माओ, माओज़म भी एक आइडियोलॉजी है, माओज़म और माओज़म की आइडियोलॉजी आज की डेट में जो हमारा इंडिया में नक्सलिज्म है वो माओज़म की आइडियोलॉजी पे ही बेस है। माओज़म की जो आइडियोलॉजी है वो एक्सट्रीम है, अगेंस्ट द गवर्नमेंट, अगेंस्ट द डेमोक्रेसी, अगेंस्ट द रूल ऑफ लॉ। तो वही जो माओज़म की जो आइडियोलॉजी है वो इंडिया में नक्सलिज्म के तौर पे आ चुकी है। हम इंटरनल जब सिक्योरिटी पढ़ेंगे तब हम माओज़म के बारे में और पढ़ेंगे। कम्युनिज्म इज ऑल्सो स्टैंड फॉर पीपल, सही बात है दोस्त, कम्युनिज्म इज ऑल्सो स्टैंड फॉर पीपल, बट ये समटाइम्स अगेंस्ट द डेमोक्रेसी हो जाता है। जरूरी नहीं कि कम्युनिज्म गलत नहीं है, बहुत सारी कंट्री, चाहे आप हमारी चाइना देख लीजिए, चाहे हमारी रशिया यूएसएसआर पूरा देख लीजिए, कम्युनिस्ट बेस्ड था। तो यहाँ पे ये गरीब लोगों के साथ रहते हैं, गरीब लोगों के साथ में रहते हैं, इनका भी वैसे ही एक पर्पस है, बट ये डेमोक्रेसी पे बिलीव नहीं करते। डेमोक्रेसी एक अलग चीज हो जाती है। डेमोक्रेसी में क्या होगा कि अगर किसी ने कुछ किया है तो उसको रूल ऑफ लॉ के अंदर में लाया जाएगा, उसको प्रॉपर तरीके से ट्रीट किया जाएगा, किसी चीज का फियर और फेवर नहीं रहता। कम्युनिज्म में क्या रहता है, कम्युनिज्म में किसी एक की नहीं चलेगी, कम्युनिज्म में सिर्फ एक की चलेगी, डिक्टेटरशिप हो जाती है। अगर वहां पे कोई अपने राइट्स मांगेगा कि हमें ये हमारे राइट्स चाहिए, जैसे हमारे यहाँ के फंडामेंटल राइट्स है, कोई हमें बोलेगा हमें फ्रीडम चाहिए, ये कम्युनिस्ट गवर्नमेंट में नहीं मिलती है। ये उनकी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट की जो पार्टी रहेगी, जैसे मैंने बोला पीआरसी, ये इनकी विम्स और विप्स, इनकी मनमर्जी के खेल, इनकी मनमर्जी के हिसाब से उनको मिलेगा। डेमोक्रेसी में आपका हक हो जाता है राइट्स का और फ्रीडम का। अगर आपको नहीं मिलेगी आप अगेंस्ट द गवर्नमेंट में खड़े हो सकते हैं, बट कम्युनिस्ट पार्टी में ऐसा कुछ नहीं हो सकता। कम्युनिस्ट जो आइडियोलॉजी होती वहां पे आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। देखो ये इंडिया के अंदर रीजनल है, जो आप बोल रहे हो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, सीपीआई है, बिल्कुल आप है, केरला में भी है कम्युनिस्ट है, तो आप दोनों का अलग अलग रीजनल डेवलपमेंट, रीजनल मॉडल देखिए। केरला में है, केरला में बिल्कुल कह सकते हैं शुरू से ही कम्युनिस्ट गवर्नमेंट रही है, लेकिन वहां के जो लीडर्स रहे एक अंडर अम्ब्रेला किसका रहा, अम्ब्रेला तो डेमोक्रेसी का रहा, इंडिया के अंदर पार्ट है। हमारे यहाँ कोई ऐसा तो फेडरलिज्म नहीं है कि स्टेट अपना अलग अलग काम करेगा, स्टेट को काम किसके अंदर करना है, यूनियन के अंदर काम करना है, तो वो डेमोक्रेसी के अपोज नहीं हो सकता। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसी कॉन्स्टिट्यूशन से केरला भी चलता है और वेस्ट बंगाल भी चलता है और बाकी के सारे स्टेट भी चलते हैं। अगर केरला कम्युनिस्ट है कोई दिक्कत नहीं, चल सकता है केरला कम्युनिस्ट, लेकिन उसको प्रिंसिपल वही फॉलो करने रहेंगे जो डेमोक्रेटिक है। वो हाँ अपनी आइडियोलॉजी में कर सकता है, जैसे इंडिया में अभी जो सेंटर गवर्नमेंट है वो बीजेपी है, बीजेपी कहीं ना कहीं राइट विंग पार्टी है, राइट विंग पार्टी है, और जो आपकी कम्युनिस्ट है वो कहीं ना कहीं लेफ्टिस्ट होती है, लेफ्ट विंग पार्टी होती है, और जो कांग्रेस है वो सेंटर पार्टी है, आइडियोलॉजी पार्टी है। तो राइट विंग हमेशा क्या होती है, राइट विंग कहीं ना कहीं प्रो नेशनलिस्ट होती है, प्रो एजेंडा लेके चलती है, वो उस एजेंडे के लिए, मैं कहीं और बहुत जा रहा हूं, प्रो नेशनलिस्ट के चक्कर में कहीं ना कहीं वो कहां चली आती है, अपने किसी दूसरे एजेंडा पे चली आती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं वो डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल को छोड़ दे। जैसे आर्टिकल 370 है और आपका सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, ट्रिपल तलाक है, ये जितने भी है प्रो राइट के अप्रोच है। अब प्रो राइट में आप कर सकते हो, बट साथ साथ में आपको ऐसा नहीं कि आप लॉ ना लाओ, आप बिना लॉ के आप सीधा आर्टिकल 370 में हटा नहीं सकते, आप प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल में आपने पार्लियामेंट में आपने बिल पास किया, सब चीज डेमोक्रेटिक वे में चली है। चाइना में ऐसा नहीं होता, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट में अगर आपको चाहिए, जैसे चाइनीज के जो भी प्रेसिडेंट है वो हमेशा के लिए वहां के प्रेसिडेंट बने रहेंगे, ऐसा इंडिया में हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इंडिया में प्रॉपर हमारी हर चीज है, हो सकता है, वैसे इंडिया में भी हो सकता है अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को ट्विस्ट कर दें, जैसे आर्टिकल 370 में किया है, वैसे भी हो सकता है, बट इंडिया में ऐसा नहीं करेगा, इंडिया की जनता उसको नहीं मानेगी। और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर। यहाँ का कम्युनिस्ट सिर्फ कैपिटलिस्ट को सपोर्ट करते हैं ना कि डेमोक्रेसी का हनन। डस कम्युनिज्म नेसेसरली लीड टू डिक्टेट? नहीं दोस्त, कोई लीड तो नहीं करता कि डिक्टेटरशिप के लिए, नेसेसरी नहीं होती, कंडीशन क्रिएट हो सकती है, कोई जरूरी नहीं है कि कम्युनिज्म डिक्टेटरशिप के लिए कहीं ना कहीं जाए। जर्मनी में
जब हिटलर थे तो कोई जरूरी नहीं कि वहां पे तब कम्युनिज्म इतना नहीं था, लेकिन वो डिक्टेटरशिप बन गया। आज बीजिंग चाइना जो कर रहा है वो कहीं ना कहीं डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहा है, वो है कम्युनिस्ट। रशिया, रशिया के प्रेसिडेंट ने बोल दिया कि अब वो आजीवन बन जाएंगे, वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कर रहे हैं। तो ये सब चीजें भी हो सकती हैं। अल्टीमेटली जो डिक्टेटरशिप होते हैं या किसी की पर्सनल जो विम्स होती है, चाहे वो जर्मनी के हिटलर ने करी हो, चाहे आप और भी कहीं देख लीजिए, चाहे आप स्टालिन को देख लीजिए, ठीक है, चाहे आप किसी और को भी, रशिया के और सारे लीडर है, लेनिन को देख लीजिए, इन्होंने कम्युनिज्म का एक लेके चले, लेकिन कम्युनिज्म तो डिक्टेटरशिप पे नहीं आया क्योंकि उन्होंने पीछे देख लिया, हिटलर का हाल उन्होंने देख लिया, हिटलर ने क्या किया। हाँ दोस्त, रशिया कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट दोनों है, रशिया कम्युनिस्ट भी है और तभी तो एक है। चाइना और रशिया की क्यों जमती थी, क्योंकि दोनों कम्युनिस्ट है। सर रशिया क्या कम्युनिस्ट स्टेट है, मुसोलिनी हिटली, बिल्कुल सही बात है। और किसी कोई डाउट, हाइजेनबर्ग क्या मेरे विदेश से भी आ रहे हैं क्या स्टूडेंट्स, हाइजेनबर्ग गुड, पहली क्लास किसकी भाई आज, मेरे को नाम पहली बार देखा हाइजेनबर्ग, क्वेश्चन भी अच्छे हैं आपके। यस रशिया इज कम्युनिस्ट, ठीक है, सोशलिस्ट भी है, जी हाँ, ऐसा थोड़ी इंडिया डेमोक्रेटिक है, इंडिया सोशलिस्ट भी है, इंडिया सेकुलर भी है, इंडिया रिपब्लिक भी है, सब हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं कि सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट दोनों साथ साथ में नहीं हो सकते। इंडिया सोशलिस्ट है बट इंडिया कम्युनिस्ट नहीं है। मेरी आज की दूसरी क्लास है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, फ्रॉम अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ठीक है, हो गया आप सबकी कहानी, कम्युनिस्ट सोशलिस्ट इन सब पे हमारी बातचीत हो गई, तो हम आगे बढ़े आज। अब हमारी बात आई थी 1947 के बाद, 1947 से 62 तक की बात कर चुका हूं, इंडिपेंडेंस से लेके, तो 1948 में जब चाइना आजाद हुआ था तब इंडिया ने चाइना को रिकॉग्नाइज किया था कि हाँ भैया आप बन सकते हैं, ठीक है, यहां तक मैं आपको बता चुका था। फिर 1948 में जैसी आजाद हुआ उसके बाद इंडिया और चाइना के रिलेशन बहुत अच्छे हुए, इतने अच्छे हुए कि यहां मैंने आपको यह भी नारा आ गया था, हिंदी चीनी भाई भाई, ठीक है, ये रिलेशन भी आ गया था 1950s में चल रहा था। बट 54 में जैसे ही आपका पंचशील एग्रीमेंट हुआ, पंचशील एग्रीमेंट के बाद इसमें पांच चीजें थी, इसमें एक मेन चीज यही थी कि एक दूसरे के इंटरफेरेंस डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में, डोमेस्टिक मैटर्स में, डोमेस्टिक इंटरनल अफेयर में कोई भी अपीयर नहीं करेगा। फिर ऑफलाइन हो गया क्या आज मैं, ऑनलाइन आ गया ना मैं, आज मैं खेल लगा देता अगर आवाज ऑफलाइन हो जाता तो, आज मैं बहुत ज्यादा गुस्से में था, कल बड़ा मेरा टाइम वेस्ट हो जाता, रिदम टूट जाता, ठीक है। तो यहां पे हम थे 1954 में पंचशील हुआ, 1959 से मैंने क्या कहा, 1959 में स्टार्ट हो गया था क्या, तिब्बत का इशू, तिब्बत का इशू स्टार्ट हो गया था 1959 में, और 1959 में तिब्बत का इशू मैंने आपको कल बता चुका था, 1959 में कल तिब्बत का इशू बता चुका था कि तिब्बत से बहुत ज्यादा लोग आ रहे थे, वहां के दलाई लामा भी हमारे यहां आए और इंडिया ने कहा कि ये उनकी जो विजिट है ये स्पिरिचुअल है, रिलीजियस है, ना कि कोई पॉलिटिकल है। तो ये चीज से खफा हो गई तिब्बत और सॉरी चाइना, और चाइना ने कहा कि इंडिया 1954 पंचशील एग्रीमेंट का वॉयलेशन कर रहा है, जिसमें क्लियर लिखा है कि आप डोमेस्टिक इंटरनल अफेयर पे आप एक दूसरे से कुछ नहीं बोलेंगे। इंडिया चाइना कश्मीर इशू पे कभी कुछ नहीं बोलेगा, इंडिया तिब्बत इशू पे कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन सबसे पहले इंडिया ने स्टार्टिंग करी और इंडिया ने तिब्बत के लोगों को इंडिया बुलाया, चाइना बहुत मना किया कि भैया आप क्यों बुला रहे हो, 1,000-2,000 होते, लगभग 1,00,000 तिब्बतियन, 1,00,000 तिब्बतियन आए और यहां पे रुके, और यहां पे उनको जगह दे दी गई थी धर्मशाला, धर्मशाला एक हेडक्वार्टर बन गया था और आज भी धर्मशाला हेडक्वार्टर है, जब भी दलाई लामा आते हैं उनकी जो स्पिरिचुअल स्पीचिंग होती है वो धर्मशाला में ही होती है। नहीं कुछ भी नहीं पढ़ा है मैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। फिर 1959 में चीजें होने लगी और फिर मैंने आपको बोला था कि 1961 में क्या हुआ था हमारा, 1961 में हुआ था हमारा क्या नाम है, फिर नाम बताएगा, नॉन अलाइंड मूवमेंट,
बेलग्राड कॉन्फ्रेंस, ऑफिशियल रिकॉग्निशन मिल गई थी हमारे नैम को, और नैम में इंडिया को मिली थी एज अ ग्लोबल पावर या रीजनल पावर कह सकते हैं, और उसमें हमारे नेहरू जी को एज अ ग्लोबल लीडर की कहीं ना कहीं छवि मिल गई थी। तो ये कहीं ना कहीं चाइना को लगा कि भैया 1947 में इंडिया आजाद हुआ और 1948 में मैं आजाद हुआ, उसके बावजूद माओ से ज्यादा नेहरू की पूछ हो रही थी, नेहरू को एज अ ग्लोबल रिकॉग्निशन मिल रही थी, नेहरू को बहुत ज्यादा बोल रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी वजह थी 1962 के वॉर की, अलॉन्ग विथ तिब्बतियन इशू बॉर्डर डिस्प्यूट के अलावा। सर दे ऑल्सो हैव वोटिंग राइट्स इन इंडिया, किसको? तिब्बतियन को, अब की पहले। एंड ऑल्सो सुपर लोगो डियर टीम, थैंक यू। हाँ भैया बहुत अच्छे एफर्ट्स करती है, उनको अप्रिशिएट करें, थैंक यू सो मच, थैंक्स टू फैक्स, ठीक टू समो, ठीक है भैया इतनी सबको सुन आई। आप वोटिंग राइट क्या पूछ रहे थे हैजनबर्ग सर, दे ऑल्सो वोटिंग राइट्स इन इंडिया। ये हो गई थी 1962 की कहानी। अब 1962 में कहानी क्या हुई थी, इंडिया और चाइना का लड़ाई चल रही थी, इंडो चाइना या इंडो सिनो वॉर, इंडो चाइना वॉर 1962 में हुआ था। उस टाइम पे इंडिया गई रशिया से मदद मांगने कि भैया आप हमारी मदद करी। नाउ किसको? तिब्बतियन को। अब दोस्त उनको अगर सिटीजनशिप मिल गई हो, क्योंकि हमारे सिटीजनशिप में ऐसा है कि 11 साल 12 साल अगर आप रहते हो तो आपको सिटीजनशिप राइट मिल जाती है, और आपको एक बार सिटीजनशिप राइट मिल जाती है तो आप वोटिंग के आपको अधिकार हो जाएगा, तो आप मिल सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, अब यहां ध्यान से सुनना। हाँ भैया हो गई हो गई हो गई, बहुत हो गई टीम की बधाई। अब इधर देखो, फैकल्टी पर ध्यान नहीं दे रहा, टीम टीम की बधाई बधाई हो गई भैया, टीम अप्रिशिएट कर लिया। 1962 के वॉर में इंडिया गया रशिया के पास मदद मांगने कि हमारी मदद करो, किससे? चाइना से। तब रशिया ने कहा इंडिया से कि भाई साहब आप और हमारे में कोई दिक्कत नहीं है, आप भी हमारे बढ़िया हो, सब हो, आप हमारे बहुत अच्छे क्या हो, दोस्त हो, फ्रेंड हो। बट रशिया ने यह कहा कि चाइना मेरा ब्रदर है। क्यों? क्योंकि सेम आइडियोलॉजी, दैट इज कम्युनिस्ट, हम दोनों कम्युनिस्ट हैं और इंडिया डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। कभी डेमोक्रेसी और कम्युनिस्ट की नहीं पलट बनती, क्योंकि डेमोक्रेसी के एक अलग प्रिंसिपल है और कम्युनिस्ट के एक अलग प्रिंसिपल। ये बात समझ में। रशिया के पास इंडिया गया था मदद मांगने, बट रशिया ने मदद से इनकार कर दिया इंडिया को, कि कहा कि आप हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं लेकिन चाइना हमारा भाई है। जैसे मैंने कहा अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो रिलेशन है, अफगानिस्तान इंडिया का बहुत अच्छा दोस्त है बट अफगानिस्तान पाकिस्तान का भाई है। तो ये चीज आपको याद रखनी, ऐसी चीज आप लिख सकते हैं। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई 1962 के वॉर तक। अब 1962 का वॉर हो गया, लेकिन आपको पता होगा 1967 में एक और वॉर हुआ था इंडिया चाइना का, नाथुला पास पे, नाथुला है सिक्किम में, यहां एक वॉर हुआ था। 1962 में इंडिया हारी थी और 1967 में इंडिया ने डिफीट किया था चाइना को। एक मूवी भी बनी है, देखिएगा जरूर, अच्छी एक्टिंग अच्छी नहीं है लेकिन आप थोड़ा बहुत आपको ज्ञान मिल जाएगा कि 1967 में इंडिया ने चाइना को हराया था। यह हिस्ट्री में कई जगह नहीं दिखा गया, इसको रिकॉग्निशन नहीं मिली गई है इस वॉर को। ये वॉर बड़ा वॉर नहीं था, फुल फ्लेज वॉर नहीं था, ये छोटा सा वॉर था, लेकिन अगर उस टाइम पे चाइना जीत जाती तो आज सिक्किम हमारा पार्ट नहीं होता। 1967 में वॉर हुआ हमारा जिसमें हमने चाइना को डिफीट किया, और 1975 में सिक्किम इंडिया का इंटीग्रल पार्ट हो गया। अभी कोई बताएगा सिक्किम कौन सा स्टेट था, कौन से नंबर का स्टेट था, और सिक्किम को इंडिया में ऐड करने के लिए कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ, कोई बताएगा? आई थिंक दोस्त 1967 ऐसी कुछ मूवी का ही नाम है, एक्टिंग बहुत ही घटिया करी है, मैं एक्टिंग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाया, लेकिन तब भी देख लीजिएगा। सिक्किम कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में इंडिया में शामिल हुआ है, और वो एक्ट किस ईयर का है, ईयर तो मैंने बता ही दिया 1975, और कौन से नंबर का स्टेट है। शुरू में हमारे 14 स्टेट थे, फिर धीरे धीरे बढ़े हैं। मैंने कहा फुल फ्लेज वॉर नहीं था दोस्त, बहुत छोटा वॉर था, वॉर हमेशा फुल फ्लेज होते हैं, ये सर्जिकल स्ट्राइक है, ये वॉर नहीं है, एयर स्ट्राइक, ये वॉर नहीं है उस टाइप से।
हकीकत नाम तो नहीं था दोस्त, कुछ और नाम था शायद, अमेजन पे देखी थी मैंने कहीं देखी थी, हाँ पल्टन आई थिंक, पल्टन हो सकती है। 36 अमेंडमेंट दोस्त गलत है ये, 36 अमेंडमेंट आप लोग की पॉलिटी तो रट जानी चाहिए दोस्त अभी तक मेरे हिसाब से। 35 स्टेट कौन सा था ये, मैं 36, 35, 34 किसी को कंफर्म नहीं कर रहा हूं, पहले सब आंसर देंगे फिर उसके बाद मैं सही दूंगा। ना मैं ये कह रहा हूं 35 गलत है, ना मैं ये कह रहा हूं 36 गलत है। अरे कौन से नंबर का स्टेट था इंडिया का जिसको इंडिया ने अपने पार्ट किया है बिना गूगल से टापे हुए ईमानदारी से। सभी कंफर्म है 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और स्टेट है आई थिंक 22वां स्टेट था जो इंडिया में इंटीग्रल हुआ था। याद रखिएगा दोस्त ये प्रीलिम्स आपके जो आते हैं स्टेट पीएससी के, इनमें सीधा पूछते हैं कि सिक्किम को कौन सा इंटीग्रल पार्ट किया है और ये सारी चीजें। 35th है कि 36 से कंफर्म कर ले दोस्त सभी लोग, कई दोस्त 36 भी बोल रहे हैं, कई दोस्त 35 भी बोल रहे हैं। स्टेट मेरे को कंफर्म है स्टेट 22वें नंबर का था, 22nd स्टेट था। अमेंडमेंट आप लोग देख लीजिएगा लक्ष्मीकांत में किसी भी ऑथेंटिकेट बुक में कि 35 था कि 36 था, मुझे सब पे भरोसा है लेकिन तब भी। तो 1975 में सिक्किम हमारा इंटीग्रल पार्ट हो गया। यहां तक सबको कोई दिक्कत तो नहीं आई दोस्त, यहां तक सबके दिमाग में सारी चीजें क्लियर है। फिर 1962 के वॉर में क्या हुआ था, रशिया ने इंडिया का सपोर्ट नहीं किया था, रशिया ने चाइना का सपोर्ट किया था। लेकिन चीजें मैंने कहा था आपको इंडियन फॉरेन पॉलिसी जब मैं बेसिक पढ़ा रहा था आपको, तब मैंने आपको बोला था कि इंटरनेशनल रिलेशन में हर बार ऐसा नहीं है कि रशिया ने एक बार चाइना का सपोर्ट कर दिया तो चाइना का ही सपोर्ट करेगा। 1962 में उसने चाइना का सपोर्ट किया और 1971 में रशिया ने इंडिया का सपोर्ट किया था, लेकिन इस बार इंटरेस्ट अलग थे। देखना दोस्त ध्यान से, यहां पे यही चीजें हैं जो इंटरव्यू में आपकी चीजें काम आती हैं अलग से, कि इंडिया को सपोर्ट किया उसने कब, जब इंडिया का बांग्लादेश को लिबरेशन के लिए किससे वॉर चल रहा था, पाकिस्तान से, तब रशिया ने सपोर्ट कर दिया था, बट रशिया ने तब सपोर्ट नहीं किया था जब उसके भाई भाई का बात आ गई थी। यहां पे भाई भाई की बात आ गई थी, रशिया चाइना कम्युनिस्ट है, सपोर्ट किया, लेकिन 1971 में पाकिस्तान से रशिया का कोई लेना देना नहीं था। और मेन बात उसने पाकिस्तान के लिए नहीं किया क्योंकि पाकिस्तान सपोर्ट ले रहा था यूएसए से, और यूएसए से उस टाइम पे रशिया और यूएसए का क्या चल रहा था, कोल्ड वॉर। 1971 का वो टाइम था जब कोल्ड वॉर चल रहा था। तो रशिया इंडिया की मदद इसलिए करने नहीं आया कि उसका पाकिस्तान से वॉर चल रहा था, वो इसलिए मदद करने आया कि पाकिस्तान की मदद यूएसए कर रहा था और यूएसए से डायरेक्ट दुश्मनी किसकी है, रशिया की। तो इसलिए आया था कि अगर यूएसए का सपोर्ट पाकिस्तान को मिल गया और पाकिस्तान ने इंडिया को हरा दिया, इसका मतलब यह है कि इंडिया नहीं हारा, रशिया हारा। तो इसलिए उस टाइम के जो पावर थे वो ये सोच के रशिया ने इंडिया का सपोर्ट किया और पाकिस्तान ने यूएसए का सपोर्ट किया। इसलिए 1962 में रशिया ने सपोर्ट किया चाइना को क्योंकि कम्युनिस्ट थी, कोई लेना देना नहीं था। लेकिन 1971 में 10 साल भी नहीं हुए और रशिया और इंडिया की फ्रेंडशिप ट्रीटी हो गई थी 20 साल के लिए, जो मैं आपको इंडिया और रशिया के रिलेशनशिप में बता चुका हूं। इतनी बात ये कंसेप्ट समझ में आया सबको कि रशिया क्यों 1962 में मना किया जब इंडिया और चाइना लड़ रहे थे, और रशिया ने क्यों सपोर्ट किया इंडिया को जब इंडिया पाकिस्तान से लड़ रहा था। ये बात सबके दिमाग में क्लियर है? जी भैया इंडिया शुड हैव आस्क हेल्प फ्रॉम यूएसए, दोस्त बिल्कुल कर सकती थी उस टाइम पे हेल्प, लेकिन इंडिया उस टाइम पे क्यों नहीं गई, कोई बता सकता है मुझे इंडिया उस टाइम पे क्यों नहीं गए? बिकॉज ऑफ नैम, हमने नॉन अलाइंस साइन किया था और हमारे रिलेशनशिप तभी से बिगड़ गए थे जब 1948 में जब यूएसए ने इंडिया को सपोर्ट किया था कि भैया आप चले आओ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, बट इंडिया नहीं गया उस टाइम पे, और उस टाइम से ही हमारे
और यूएसए, इंडिया और यूएसए के रिलेशनशिप खराब हो गए थे और इंडिया ने नैम का कहीं ना कहीं फॉर्मेशन कर लिया था और नैम पे ही इंडिया चल रहा था। तो इंडिया को ये लगा कि नैम से बेटर कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हैं चाइना से। ये चीजें एक एक दोस्त हर चीज को लिंक करोगे तभी मजा आएगा आईआर पूरा पढ़ने में। या आपकी कहानी हो गई दोस्त 1971 के वॉर तक और यह सारी चीजें। यूएस एंड ब्रिटेन रिफ्यूज टू सप्लाई एनी आर्म्स साइड। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई डाउट तो नहीं दोस्त यहां तक किसी को? आगे बढ़े अपन। फिर आ जाता है दोस्त हमारा एलपीजी एरा। एलपीजी एरा इंडिया का मीन्स 1990s onwards। अब हुआ ये कि जो हमारा चाइना था, चाइना ने 1980s में ही क्या एलपीजी अपना लिया था, वो इंडिया से कम 20 साल आगे चल रहा था। और चाइना ने अपनी इकोनॉमी पहले ही खोल दी थी 1980 में, वो ग्लोबलाइजेशन पहले से ही करने लगा था, उसका ट्रेड बहुत ज्यादा बढ़ने लगा था। इंडिया आया बहुत बाद में और इंडिया को उस टाइम पे जरूरत थी रॉ मटेरियल की। इंडिया को जरूरत थी उस टाइम पे किसकी? रॉ मटेरियल की। और रॉ मटेरियल के लिए बादशाह था कौन? चाइना। चाइना ने इंडिया को रॉ मटेरियल खूब प्रोवाइड किया ताकि इंडिया अपनी इंडस्ट्री चला सके। एलपीजी में जो उसने खोला है, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन लेवल जो भी किया है, उसके लिए इंडिया को रॉ मटेरियल कौन दे रहा था? चाइना दे रहा था। चाइना ही उसे टेक्नोलॉजी दे रहा था। चाइना एक नियरेस्ट था और एक डियरेस्ट था, और उस टाइम पे रिलेशनशिप भी अच्छे हो गए थे। क्योंकि उस टाइम था वो राजीव गांधी एरा था, राजीव गांधी एरा, नरसिम्हा राव एरा, ये डिप्लोमेसी में अच्छे राज थे उस टाइम पे। हमारे मनमोहन सिंह जी जो हमारे उस टाइम के फॉरेन मिनिस्टर थे, उन सबकी डिप्लोमेसी बहुत अच्छी हुई उस टाइम पे, और उस टाइम पे हमारे चाइना से बहुत अच्छे रिलेशन रहे। लेकिन जो रिलेशन रहे वो सिर्फ और सिर्फ जो फोकस रहा है ट्रेड पे रहा। मैंने आपको सुबह की क्लास में कभी भी और कहा था कि इंडिया और चाइना के बहुत सारे डिस्प्यूट हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट हैं, सारे डिस्प्यूट हैं, बट इंडिया और चाइना के कभी भी ट्रेड कभी कम नहीं हुआ, ट्रेड हमेशा कॉन्स्टेंट रहा या तो बढ़ा है। तो उस टाइम से ही 1990s में इंडिया और चाइना के ट्रेड बढ़ा। इंडिया को जरूरत थी और चाइना को जरूरत थी मार्केट की, और इंडिया ने अपना मार्केट खोल दिया था तो चाइना एकदम फ्लड होके इंडिया में आ गया। और तभी से 90s में देखेंगे हमारा टेलीकम्युनिकेशन स्टार्ट हो गया। और हम मैं आपको यहां भी एक और चीज बताऊं, उसी टाइम पे हमारी टेलीकम्युनिकेशन में रेवोल्यूशन आई है। टेलीकम्युनिकेशन में बहुत सारी प्राइवेटाइजेशन कंपनी आई है, चाहे एयरटेल, बीएसएनएल के अलावा बहुत सारी कंपनीज आई है। तो उस टाइम में हमारी बहुत सारी 90s 2000 onwards हमारी बहुत सारी टेलीकम्युनिकेशन भी है, बहुत सारी हमारा स्मार्टफोन आए, जो सारी चीजें हैं ये लगभग चाइना से ही आई थी उस टाइम पे। इंडिया यूएन का मेंबरशिप, ये दोस्त मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूं। रितेश कैश, इंडिया ने उस टाइम पे मेंबरशिप क्यों छोड़ दी, इसके लिए आप मेरे को, मैं इस बार नहीं बताऊंगा, इस बार आप मेरे इंडियन फॉरेन पॉलिसीज के वीडियो देखिए, आपने मिस कर दिया होगा। मैंने बहुत कम से कम 2-3 क्लासों मैंने यही बताया था कंटिन्यूस, बहुत अच्छे से लिंक करके बताया था। तो प्लीज जाके गो थ्रू हो जाइए, जो भी नए दोस्त आए प्लीज, जितने भी आईआर के, एनवायरमेंट के, एडिटोरियल के हैं, सबके सब इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं लिंक रहते हैं। अच्छा आप भी वही पूछने वाली, जो आप भी जाओ आप भी देखो साथ में, ठीक है? कम से कम मैंने उसको आधे से एक घंटे उस चीज को समझाया था। पूरे का पूरा लेक्चर मेरा चला जाता है कि 1948 में इंडिया ने क्यों मना किया यूएन की सीट को लेके, और क्यों इंडिया ने चाइना को अपोज किया। बहुत अच्छे से लिंक से बहुत सभी को याद होगा, लेकिन कोई आंसर ही मत दीजिएगा इन सभी दोस्तों को, ये जाके खुद देखेंगे और खुद जाके संघर्ष करेंगे, ठीक है? इतनी बात सबको समझ में आई। एलपीजी के टाइम में इंडिया को बहुत बड़ा मार्केट चाहिए था और चाइना वो मार्केट देने को तैयार था। अब उसके बाद 90s चीज चले गई, 2005 आ गया। अब 2005 आया हमारा, जो मैं अगर कहूं कि 1954-55 में हमारा पंचशील हुआ था, उसके ये 50 साल यहां पे पूरे हो गए थे, और यहां पे आया है पंचशील 2.0। पंचशील एक नया फॉर्म में आया था, चीजें वही थी, पांच उसमें एक अलग चीजें जोड़ दी जो आज के टाइम पे रेलेवेंट थी इंडिया और चाइना। वो मैं बोल रहा हूं वो सब लोग लिख लीजिएगा, वो नोट्स में नहीं है, वो पांच के पांच ध्यान से। पहला जो पंचशील का एग्रीमेंट था उसमें था मेंटेन स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन, और कोई अगर स्पीड तेज है तो थोड़ा पीछे करके देख लीजिएगा, मेंटेन स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन एंड कीप द बायलेटरल रिलेशन एंड कीप द बायलेटरल रिलेशंस
ऑन द राइट ट्रैक, ऑन द राइट ट्रैक। पहला पंचशील ये 2005 में हुआ था, दूसरा ये जो पहला पंचशील जो 1954-55 में हुआ उसके 50 साल हो गए थे 2005 में, इसलिए रिवाइज किया नैम 2.0। दोबारा बोल रहा हूं, सब लिखते जाइएगा, मेंटेन स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन एंड कीप द बायलेटरल रिलेशन ऑन द राइट ट्रैक, लिख लिया सबने। दूसरा, आई होप सब लोग नोट्स बनाते होंगे, मैं कभी कभी ऐसी सरप्राइज दे देता हूं। दूसरा, शुड हार्नेस ईच अदर्स, शुड हार्नेस ईच अदर्स कंपैरेटिव स्ट्रेंथ एंड एक्सपांड विन विन कॉपरेशन। दूसरा पॉइंट, शुड हार्नेस ईच अदर्स कंपैरेटिव स्ट्रेंथ एंड एक्सपांड विन विन कॉपरेशन। पॉइंट आते भी जा रहे हैं हमारी टीम की तरफ से, अगर कोई मिस कर रहा है, खासकर मेरे हिंदी मीडियम के जो दोस्त हैं उनके लिए मैंने स्पेसिफिक करवा रखा है कि उनको बहुत प्रॉब्लम होती है हिंदी में। मैं दोस्त बहुत सारी कोशिशें कर रहा हूं आपको जो नोट्स हैं वो हिंदी में ही प्रोवाइड करूं, लेकिन वो चीज जो इंग्लिश में होती है वो हिंदी में उस टाइप की हो नहीं पा रही है, इसलिए मैं आपको नोट्स में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाह रहा हूं। जब मैं चीजें हो जाएंगी उसके बाद ही मैं आपको प्रोवाइड कर पाऊंगा, मैं ऐसी काम चलाऊ काम बिल्कुल नहीं करता। तीसरा, स्ट्रेंथन कल्चरल टाइज एंड फ्रेंडशिप बिटवीन कंट्रीज। लिख लिया सभी ने? स्ट्रेंथन कल्चरल टाइज एंड फ्रेंडशिप बिटवीन कंट्रीज। नेक्स्ट, फोर्थ पंचशील का एग्रीमेंट, एक्सपांड कोऑर्डिनेशन एंड कोलैबोरेशन इन मल्टीलेटरल फोरम to jointly safeguard the legitimate rights and interests of developing country and interests of developing countries, strengthen cultural ties and friendship between countries. कल्चरल की स्पेलिंग गलत थी वहां पे, अभी सही हो गई है। एक्सपांड कोऑर्डिनेशन एंड कोलैबोरेशन इन मल्टीलेटरल फोरम टू जॉइंटली सेफगार्ड द लेजिटिमेट राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ डेवलपिंग कंट्री। किसी का कोई छूट तो नहीं रहा? सब लिख पा रहे हो? फिफ्थ और लास्ट, accommodate each other's core concern and properly handle problems and differences. Accommodate each other's core concern and properly handle problems and differences. लिख पा रहे हैं सबके सब? फोर्थ वाला अगर किसी का छूटा, expand coordination and collaboration in multilateral forum to jointly safeguard the legitimate rights and interests of developing countries. सबने लिख लिया पांचों? किसी का छूटा हो कोई पॉइंट तो बता दीजिएगा। बाकी के कितने टीम में, क्या तीन लिख दिए? दो और आ जाएंगे आपके पास।
सबने लिख लिए, किसी का कोई छूटा हो तो बता दीजिएगा, मैं रिपीट कर दूंगा। अगर कभी क्वेश्चन ऐसा है कि रिवाइव पंचशील एग्रीमेंट, तो अब जो पंचशील 2.0 है वो ये वाले हैं पांच, तो मैंने आपको वो बताए हैं। अब ये पढ़ लीजिए एक बार सबके सब। कर रहा हूं सारे कर रहा हूं पॉइंट। लिख लिया ना सभी ने? पहले लिख लिया, फिर मैं एक एक पॉइंट आपको समझाता जाऊंगा। सभी का लिख लिया? सभी डन है? अब पहला पॉइंट समझिएगा, मेंटेन स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन एंड कीप द बायलेटरल रिलेशन ऑन द राइट टेक। बात स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन के, कि अभी जैसे अभी जो आपका लद्दाख का फेस ऑफ हुआ, लद्दाख में जो हमारा एलएसी पे डिस्प्यूट हुआ है, चाहे वो हमारा पांगोंग लेक हो, चाहे वो हमारा गालवन वैली हो, जो भी है, वो कहीं ना कहीं डिफरेंसेस रहे, जो भी आपने, ये आपका स्ट्रेटेजिक एरिया लद्दाख का पांगोंग लेक, गालवन वैली है, जो भी आपके जो भी फिंगर एरिया से आपके स्ट्रेटेजिक एरिया, यहां पे जरूरत थी हाई लेवल कम्युनिकेशन के। आप लोग हाई लेवल कम्युनिकेशन नहीं कर रहे थे प्रॉपर तरीके से। हाई लेवल कम्युनिकेशन होता है पीएम विजिट, वहां के प्रेसिडेंट विजिट। आप विजिट तो हो रही थी, चाहे वो वुहान समिट हो रही थी, चाहे वो महाबलीपुरम समिट हो रही थी, चाहे वो हमारी ब्रिक्स में हो रही थी, चाहे वो हमारा G20 पे हो रही थी, चाहे वो हमारा SCO पे हो रही थी। फोरम बहुत है इंडिया और चाइना के बात करने के, लेकिन क्या इन फोरमों पे हमारा स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन की बात हो रही थी, ये इंपॉर्टेंट है। वो नहीं हो रही थी, बात ये हो रही थी कि जब हमारे प्राइम मिनिस्टर, मैं इन प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं कर रहा हूं, हम प्रीवियस की भी कर रहे हैं और इनकी भी कर रहे हैं, क्या ये वो वाली बात कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, और जो बात कर रहे थे तो कैसी एफिशिएंसी से बात कर रहे थे, अपना पक्ष रख रहे थे, या सिर्फ वो बात बात हो रही थी, चाइना उस बात को सीरियसली नहीं ले रहा था। तो ये डिप्लोमेसी का काम है, अगर कोई बात सीरियसली करवानी है तो उसको उस तरीके से बात करी जाती है। अगर कोई आपकी बात हल्के में ले रहा है, कोई कंट्रीज हल्के में ले रहा है, कोई डिप्लोमेट हल्के में ले रहा है, तो आपको फिर उसको उस हिसाब से बात करनी रहेगी। तो यहां कहीं ना कहीं हमारा स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन फेल होता दिख रहा है इसमें। तो पंचशील में लिखा है कि मेंटेन स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन एंड कीप द बायलेटरल रिलेशन ऑन द राइट ट्रैक। ये जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन का हम जो लैग कर देते हैं, कम कर देते हैं, इस चक्कर में हमारा जो बायलेटरल रिलेशन है वो ट्रैक से हट जाता है, वो राइट ट्रैक से रॉन्ग ट्रैक में चला जाता है। क्लियर है पहला पंचशील का एग्रीमेंट? सभी को। दूसरा, शुड हार्नेस ईच अदर्स कंपैरेटिव स्ट्रेंथ एंड एक्सपांड विन विन कॉपरेशन। अब इंडिया और चाइना दोनों को पहचानना है कि इनकी मैन्युफैक्चरिंग हब है, तो ये दोनों एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकते हैं, दोनों की कंपैरेटिव स्ट्रेंथ को विन विन सिचुएशन बना सकते हैं, क्योंकि दोनों की दोनों जो है वो एशिया कंट्री है। तो ये दोनों की दोनों एशियन पावर बन सकती है, और ये जो हमारा वेस्टर्न पावर है उनको ये चैलेंज कर सकती है, अगर ये दोनों कंपैरेटिव स्ट्रेंथ पर अपना वर्क कर सके। विन विन अफ्रीका के साथ, वेरी गुड। क्या फिर से ऑफलाइन हो गया था क्या? सेकंड दोस्त, मैंने यही रिपीट किया है दोस्त कि सेकंड में जहां इंडिया और चाइना दोनों जगह अपना पॉजिटिव है, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म, यहां पे हम लोग बात कर सकते हैं और दोनों अपने अपने लेवल पे बढ़िया काम कर सकते हैं। विन विन क्लियर दोस्त? ये होता है विन विन कि दोनों जीते, कोई हारे या ना। डिप्लोमेसी में हमेशा से चीज आती है कि विन विन सिचुएशन। विन विन मतलब ये होता है कि इंडिया भी खेल रहा है और चाइना भी खेल रहा है, लेकिन कोई ना विन हो रहा है ना कोई, एक तो विन होता है एक लॉस होता है, लेकिन डिप्लोमेसी में ऐसा नहीं होता। डिप्लोमेसी में दोनों जीतते हैं। डिप्लोमेसी में जब भी दोनों टेबल पर बैठते हैं तो एक अच्छा सा डिप्लोमेसी का नियम है कि दोनों को कोई भी
दोनों को फुलफिलमेंट मत करो, ये 50 डिमांड लेके आया इंडिया कि शायद मैं 50 डिमांड चाइना से करवा लूंगा, और चाइना भी 50 डिमांड लेके आया कि ये मैं इंडिया से मनवा लूंगा। लेकिन जब मीटिंग खत्म होती है तो ये भी अपनी 30 डिमांड से खुश हो जाता है, ये भी अपनी 30 डिमांड से खुश हो जाता है। अगर ये दोनों खुश है, विन विन, 30-30, लाए 50 थे लेकिन ले जा रहे हैं 30 ही डिमांड। अगर यहाँ पे ये 40 ले आता और चाइना 25 ले आता या चाइना 50 ले आता तो कोई एक जीत जाता कोई एक हार जाता, तो वहां पे फिर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो ये नहीं होना चाहिए, विन विन सिचुएशन ये होता है कि दोनों को इक्वल मिले। ठीक है दोस्त, ये चीज क्लियर आई। सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट पढ़िए, स्ट्रेंथन कल्चरल टाइज एंड फ्रेंडशिप बिटवीन कंट्रीज। कल्चरल टाइज में यही कि जो अरुणाचल प्रदेश है हमारा, तवांग रीजन है, उसका बहुत ज्यादा टाइज है हमारा ये अपना चाइना से। इंडिया की जो हिंदी लैंग्वेज है, संस्कृत लैंग्वेज है, इंडिया की हिंदी संस्कृत, ये कई अब चाइनीज जगह पे पढ़ाई जा रही है एज अ कल्चर, एज अ बस सिंबल, कोई ऐसा नहीं है। और इंडिया में भी चाइना की जो मैंडरीन लैंग्वेज है वो पढ़ाई जा रही है एज अ सिंबल, कि हमें कल्चर पता है। इंडिया के स्टूडेंट्स चाइनीज यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ रहे हैं, चाइनीज के कई लोग इंडिया में जाके पढ़ रहे हैं। इंडिया का कल्चर, इंडिया के जो और हिंदुज्म है ये चाइना सीख रहा है, और चाइना का जो बुद्धिज्म, आज का जो मॉडर्न बुद्धिज्म है वो इंडिया सीख रहा है। तो कुल मिला के बुद्धिज्म लिंकेज है, हिंदुज्म लिंकेज है, स्टूडेंट स्टूडेंट का कल्चरल रिलेशनशिप है, ये सबका सब क्या है, हमारा कल्चरल टाइज है। चौथा पॉइंट पढ़िए, एक्सपांड कोऑर्डिनेशन एंड कोलैबोरेशन इन मल्टीलेटरल फोरम टू जॉइंटली सेफगार्ड द लेजिटिमेट राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ डेवलपिंग कंट्री। इसमें यह बात बोली दोस्त कि सिर्फ और सिर्फ एशियन कंट्री में सिर्फ यही दो ही पावर है जो ढंग के, चाइना, जापान और इंडिया। ठीक है, बात हमारी चल रही है इंडिया और चाइना की, तो इनको ये कहा गया कि भाई आप एशिया की तीन कंट्री हो जो एशिया को रिप्रेजेंट करते हो बड़े बड़े मल्टीलेटरल फोरम में। मल्टीलेटरल फोरम क्या हो गया, यूनाइटेड नेशन, WHO, WTO, वर्ल्ड बैंक, IMF, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है, ब्रिक्स, ये मल्टीलेटरल रीजनल फोरम हो गए ये। तो आप इन सब में इंडिया और चाइना आप अपने आप को रिप्रेजेंट मत करो, आप तो अपने आप में बढ़िया हो, इंडिया की भी इज्जत है हर जगह पे और चाइना की भी इज्जत है। आप लीडर बनो किन के, डेवलपिंग कंट्रीज के, जो और छोटी कंट्री है, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, आप इन सब की बात करो इन फोरम में, आपको इनका लीडर बनना है। आप तो हो लीडर हमने मान लिया, लेकिन आपको इनकी भी बात पहुंचानी है। बात समझना ही पंचशील का ये बात, फोर्थ पॉइंट जब समझाता हूं उसके बाद अपना पॉइंट भी पढ़ा करिए दोस्त एक बार, तो आपको क्या दिमाग में एकदम घुस जाएगा। फिफ्थ पॉइंट, अकोमोडेट ईच अदर्स कोर कंसर्न एंड प्रॉपरली हैंडल प्रॉब्लम्स एंड डिफरेंसेस। वही बात है जो वुहान समिट में भी कही थी और जो महाबलीपुरम समिट में भी कही थी, और महाबलीपुरम समिट को ही कहते हैं चेन्नई कनेक्ट, चेन्नई कनेक्ट ही बोलते हैं महाबलीपुरम समिट को, जो हमारी सेकेंड इनफॉर्मल समिट हुई थी इंडिया और चाइना के बीच में। पहली हुई थी कौन सी, वुहान समिट, दूसरी हुई थी हमारी महाबलीपुरम समिट, उसको ही चेन्नई कनेक्ट भी बोलते हैं। उसमें यह बोला था दोस्त कि जो भी हमारे डिफरेंसेस होते हैं उसको, डिफरेंसेस को उधर ही रिजोल्व कर लो, इजी रहेगा। अगर आपने डिफरेंसेस को बढ़ा दिया, अगर आपने यह रिजोल्व नहीं करे तो वो डिस्प्यूट में बदल जाएगा, और डिस्प्यूट बहुत बड़े हो जाते हैं, इनको रिजोल्व नहीं हो सकते। जैसे डिफरेंसेस क्या थे, गाल्वन वैली थे, डोकलाम थे, ये डिफरेंसेस थे, आप यही रिजोल्व कर सकते थे। ये डिस्प्यूट आपने बना लिया या आपने स्पेसिफिक बॉर्डर डिस्प्यूट बना लिया, ये इंडिया की गलती है, चाइना की गलती है, जिसकी भी गलती है, लेकिन आपने डिफरेंसेस को डिस्प्यूट नहीं बनाया। और ये भी जो डिफरेंस थे वो कोर डिफरेंसेस थे, जो हमारे और चाइना के बीच में जो मेजर डिस्प्यूट है वो बॉर्डर डिस्प्यूट है। बॉर्डर डिस्प्यूट इतना नहीं है जो ब्रह्मपुत्र से, लेकिन जो मेजर है वो बॉर्डर डिस्प्यूट है। तो इंडिया के जो कोर कंसर्न है, जो चाइना के कोर कंसर्न है, उसको मिल के हमें उन प्रॉब्लम्स और डिफरेंसेस को रिजोल्व करना है। अब पढ़ लो पांच के पांचों पंचशील, सबके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर है, तो सी, कहीं भी डाउट हो तो DD।
लिख लिए थे ना सबने पांचों पॉइंट, सबने लाइक तो कर ही देते हो ना मेरे हिसाब से, सब लोग 20, 22, 23, 24, 19 सारे दोस्तों ने लाइक, मेरे को नहीं पता कितने हुए, कितने ने ईमानदारी से लाइक कर दिया करो, जो आपको वीडियो आपको लगता है कि यार ये मेरे को एनलाइटेंड कर रहा है वीडियो, मेरे को कोई नए पॉइंट्स मिल रहे हैं, वो आपके जो पीयर ग्रुप है जिनको चाइना, अफ्रीका, फ्रांस, यूएस, रशिया नहीं आया समझ में, आप उनको भी रेफर कर सकते हो। अकोमोडेट दोस्त, एक दूसरे से बातचीत करके मैटर को सॉर्ट आउट कर लेना। जैसे हम बोलते हैं ना, हमारे दो तीन एक रूम है उसमें तीन लोग रहते हैं, तो हम बोलते हैं यार चौथे को भी अकोमोडेट कर लो, जगह नहीं है लेकिन हम एडजस्टमेंट करते हैं, अकोमोडेट करना है हमको। डिस्प्यूट में कभी कोई सीधा डिस्प्यूट नहीं निकलता, किसी को थोड़ा नुकसान होगा, किसी को थोड़ा फायदा होगा। आपके रूम में दो लोगों की जगह बेड पे एक लोगों की जगह आपका कोई फ्रेंड आ गया, आप दो या तीन सुला रहे हो, तो अकोमोडेट करते हो आप, एडजस्टमेंट करते हो। एग्रीमेंट है ना दोस्त, एग्रीमेंट क्या होते हैं, टूटने, जैसे वो बोलते हैं ना रूल्स होते हैं, रूल्स ब्रोकन के लिए होते हैं, रूल्स जो बनाए जाते हैं वो तोड़ने के लिए बनाए जाते हैं। तो एग्रीमेंट है, कोई बाइंडिंग तो है नहीं है, बस एग्रीमेंट है। पेरिस एग्रीमेंट हुआ था 2015 में एनवायरमेंट के लिए, क्या हुआ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पीछे हो गया, बहुत सारी कंट्री नहीं मान रही है। तो जो एग्रीमेंट होते हैं, एग्रीमेंट कोई जरूरी नहीं कि आपको मानना ही है, एग्रीमेंट होते ही है कि हम कभी भी तोड़ सकते हैं कोई भी एग्रीमेंट। एग्रीमेंट कोई बाइंडिंग नहीं होता, कोई पनिशमेंट नहीं होती है, तो इसलिए तोड़ रहा है। और बाकी थोड़ी देर और भी हम बताएंगे। हेलो दोस्त, हेलो भैया, हेलो, इतनी चीज सबको सुन रही, किसी कोई डाउट, 2005 पंचशील एग्रीमेंट 2.0 तक। अब 2005 के बाद दोस्त हुआ 2008 का हमारा रिसेशन, 2008 का हमारा हुआ ग्लोबल रिसेशन, जिसको हम सब प्राइम क्राइसिस भी बोलते हैं, जो मेजरली यूएस में हुआ और यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज में हुआ। उस टाइम पे यूएस और यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज 2008 के बाद पूरी की पूरी डाउन हो गई थी। हुआ ये था, ये क्राइसिस नहीं बता रहा हूं, ये बता रहा हूं, 2001 में 9/11 का अटैक हुआ था यूएसए में, ओसामा बिन लादेन भाई साहब ने किया था। तब से यूएस की इकोनॉमी शार्पली डाउन हो रही थी, जैसे तो उससे थोड़ा रिवाइव हुआ 2008 में फिर से डाउन हो गई। और ये वही टाइम था जब मैंने आपको कई बार बताया कि चाइना 1997-8 में अपनी इकोनॉमी को जंप कर रही थी, क्योंकि मैंने अभी आपको बोला 90s-80s में चाइना ने एलपीजी अपना लिया था, मार्केट इकोनॉमी हो गई थी, चाइना का ग्रोथ बढ़ने लगा था। 2001 में जब चाइना, जब यूएसए पे अटैक हुआ, तब चाइना के पास मौका था, चाइना ने यूएसए का भी मार्केट घेर लिया, और वो घेरते घेरते उसको 2008 तक उसका मार्केट बहुत अच्छा हो गया, और उसको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल गई जब ये पूरा का पूरा यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका घाटे में चला गया। फिर क्या हुआ, उस टाइम पे चाइना के पास और एक और मौका आया कि भैया अब तो मैं अमीर हो गया, उसके पास रिजर्व उस टाइम पे बहुत ज्यादा था। 2008 में चाइना के पास लगभग $3 trillion इकोनॉमी का रिजर्व था, रिजर्व था मतलब ये अलग से बैंक सेविंग थी उसकी। तो इस टाइम पे यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन अमेरिका का काम क्या था, वर्ल्ड के लीडर थे तो इनका काम यह था कि जो भी और कंट्रीज थी, गरीब कंट्रीज थी, उनकी ये हेल्प करते थे, उनको ये लोन देते थे, उनको एक ग्रांट देते थे, एड देते थे, ताकि वो लोग कंट्रीज अपनी मदद करें। लेकिन अब ये खुद संकट में हो गई 2008 में, और उस टाइम पे चाइना के पास था $3 trillion रिजर्व एक्स्ट्रा। तो चाइना ने फिर क्या किया, चाइना ने बांटना स्टार्ट किया, और चाइना की उसी टाइम से स्टार्ट हुई जो मैं आज आपको कई बार बोलता हूं, डेब्ट ट्रैप पॉलिसी, डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी, जिसको मैं बोलता हूं आपको चेक बुक डिप्लोमेसी, जिसको मैं आपको बोलता हूं चेक बुक डिप्लोमेसी। चाइना का स्टार्ट गेम हो गया था ये कब से, आफ्टर ग्लोबल रिसेशन इन 2008, और उसके बाद से चाइना का रिजर्व $3 trillion था, उसने बांटना स्टार्ट किया। अब ये $3 trillion कितना होता है, इसका मैं सिर्फ एग्जाम्पल यही देना चाहूंगा आपको कि इंडिया की जो एट प्रेजेंट 2019-20 की इकोनॉमी है वो इतनी है, टोटल $3 trillion इकोनॉमी, ये अभी है इंडिया की 2019-20 में। और चाइना के पास ये 2008 में थी जो कि रिजर्व थी, बाकी उसकी इकोनॉमी तो अलग से चली रही थी और ये इसकी रिजर्व थी। तो इंडिया और चाइना में क्या डिफरेंस तब था और आज है, और आगे भी ऐसे ही रहेगा। इतनी बात सबको समझ आई, कमेंट क्या बहुत ज्यादा लिख दिया, क्या क्या लिख दिया सर, रिसेंटली व्हाट इंडिया एंड चाइना आर डूइंग फॉर गलवान एंड कैन बी कंसीडर्ड एज अ बायलैटरल टॉक, व्हाट आर्मी चीफ्स आर डूइंग फॉर रिजॉल्विंग द इशू। सर रिसेंटली व्हाट इंडिया एंड चाइना आर डूइंग फॉर गलवान वैली कैन बी कंसीडर्ड एज अ बायलैटरल टॉक,
बिल्कुल बायलेटरल टॉक कर रहे हैं, व्हाट आर्मी चीफ्स आर डूइंग फॉर रिजॉल्विंग द इशू। बायलेटरल टॉक ही चल रही है अलग अलग लेवल पे, आर्मी लेवल पे भी चल रही है, डिप्लोमेसी लेवल पे भी चल रही है, और हमारा मिनिस्टेरियल लेवल पे चल रही है। हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी बात कर रहे हैं, उनके फॉरेन मिनिस्टर से बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ के जो आर्मी के जो जनरल है, लेफ्टिनेंट जनरल है, वो भी वहां के लेफ्टिनेंट जनरल से बात कर रहे हैं, ब्रिगेडियर से बात कर रहे हैं, हाई लेवल टॉक चल रही है। और हमारे यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स, आईएफएस, एम्बेसडर, वो भी वहां के एम्बेसडर से बात कर रहे हैं, डिप्लोमेसी से बात कर रहे हैं, और इट शुड बी थ्रू डिप्लोमेटिक टॉक्स ओनली, दोनों तरफ से बात कर रहे हैं। हमारा डिफेंस आर्मी रूट से भी चल रहा है और हमारा डिप्लोमेसी रूट से भी चल रहा है, दोनों लेवल से चल रहा है, और इसी वजह से शायद अभी मैटर हमारा ठंडा हो गया। हाउ वुड सर नो विदाउट एनी न्यूज गिवन बाय एनी चैनल और सोर्स? ये तो दोस्त नॉर्मल आते ही है ना कि हमारा भी इनकी एंगेजमेंट चल रही है, इनकी बातचीत चल रही है। ठीक है दोस्त, सबको क्लियर है? ये जो मैं आपको इतनी कहानियां बताया भी, इतना लिखा, वो क्लियर है? वो बताओ पहले तो, 2008 में कैसे चाइना, ये आपको दोस्त बहुत जरूरी होती, जब भी आप आंसर लिखते हो ना तो आपको ये चीजें दिमाग में घुसनी चाहिए कि कैसे चाइना आगे बढ़ा, कैसे क्या जा। मेरा जो इतना मैं एनर्जी से दोस्त कराता हूँ ना दोस्त, उसको सीरियसली लिया करो, उस टाइम पे नहीं भी आया समझ में दोबारा देखा करो दोस्त। हर मेरा पॉइंट जो रहता है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, आपके एनालिसिस आपके दिमाग खोल देगा वो। नहीं दोस्त, इंडिया विक्टिम नहीं हुआ डेप्ट्रेट पॉलिसी का हाल फिलहाल, अभी तक तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ इंडिया दूसरे जो हुए हैं, जैसे नेपाल हुआ है, श्रीलंका हुआ है, पाकिस्तान हुआ है, साउथ ईस्ट एशियन की बहुत सारी कंट्रीज हुई है, उसका इंपैक्ट इंडिया पे जरूर पड़ा, उसका इंडिया विक्टिम जरूर बना, लेकिन इंडिया डायरेक्ट नहीं बना। ठीक है दोस्त, ये 2008 की बात की कहानी पता पड़ी कि चाइना कैसे ग्रोथ करने लगा। धन्यवाद भैया। सबको क्लियर है? अब यहां पे दोस्त देखना ध्यान से, 2008 के बाद कहानी बहुत चेंज हुई है मार्केट में। 2008 के बाद मैंने आपको बोला यूएसए और यूरोपियन यूनियन कंट्रीज, ये कम हो गई बिकॉज ऑफ सब प्राइम, ग्लोबल रिसेशन आ गया, ये लोग सब घाटे में चले गई, इन्होंने जिस दिन लोगों को लोन दिया था वो लोन इनको वापस नहीं मिला, ये कंट्री घाटे में चले गए। और ये 2008 के आसपास ये लोग वर्ल्ड के पावर थे, वर्ल्ड के लीडर थे, लेकिन उसके बाद इनकी थोड़ी सी वैल्यू में, हेजोमनी में कमी आ गई, और उस टाइम पे चाइना ने ग्रोथ करा। जो मैंने कहा $3 trillion का रिजर्व था जो उन्होंने कई कंट्रीज को दिया, चेकबुक डिप्लोमेसी, और जिससे काफी सारा उनको उधार मिला। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, उसकी एक अच्छा खासा उसकी एक इमेज बन गई मार्केट में, और मार्केट में किस हिसाब की इमेज बन गई उसकी, कि भैया ये ग्लोबल लीडर है और हमें इस सबकी बात माननी है। और उसने उसके लिए किया भी क्या, इनिशिएटिव क्या लिए चाइना ने, आप देखेंगे 2008 के बाद ही हमारे मल्टीलेटरल फोरम या रीजनल फोरम में चाइना ने बहुत बढ़ चल के हिस्सा लिया। चाहे आप देख लें ब्रिक्स, ब्रिक्स में उसने स्टार्टिंग बहुत अच्छे से करी। आप वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो आज हम पढ़ रहे हैं हर क्लास में, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसकी जो नींव रखी गई वो 2009 से ही स्टार्ट हुई है। धीरे धीरे इसकी जो प्रोजेक्ट की जो बिल्डिंग हुई है वो वही हुई है। फिर आपका ब्रिक्स का बैंक भी बनाया इसने, एडीबी बैंक बनाया, एशिया, सॉरी एडीबी नहीं, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, एआईबी, इसमें भी चाइना लीडर है। चाइना ने हर जगह पे, क्योंकि पैसा चाइना का भरपूर आ गया, उसने जहां जहां $3 trillion जब उस टाइम पे लोगों को लोन दिया उनसे भी उसको इंटरेस्ट मिला, और जहां जहां उसने इन्वेस्टमेंट किया, क्योंकि यूरोपियन यूनियन और यूएसए कंट्री का मार्केट डाउन हो गया, और चाइना के पास हमेशा से ये जो तीन चीजें रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट रही है। चाइना का जो पहली चीज है उसके पास रहा है फाइनेंस, चाइना के पास जो दूसरी चीज रही है चीप लेबर, और चाइना के पास जो तीसरी चीज रही है वो उसके पास रही है रिसोर्सेस। ये जो तीन चीजें हैं चाइना को वो वर्ल्ड पावर की गिनती में खड़ा कर दिया, सबसे ज्यादा फाइनेंस, चीप लेबर और रिसोर्सेस, ये जो तीन कारण है वो चाइना को बहुत आगे अभी भी ले जा रहा है। इधर तक किसी को डाउट? तो चाइना ने 2009 के बाद कैसे वो मल्टीलेटरल फॉरम में आगे आया, बायलेटरल फॉर्म में आया, हर जगह वो आने लगा धीरे धीरे।
2008 के बाद चाइना ने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया कहाँ पे, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, चाइना ने वहीं ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया। चाइना पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट जब देख लें वो भी उसने वहीं तभी स्टार्ट किया 2008 के बाद। चाइना ने जो श्रीलंका का जो हम्बनटोटा पोर्ट है वहां पे उसने इन्वेस्टमेंट किया। पाकिस्तान में लगभग 41 बिलियन डॉलर का उसने इन्वेस्टमेंट किया उस टाइम पे, हम्बनटोटा पे लगभग 8 मिलियन डॉलर का उसने इन्वेस्टमेंट किया और अफ्रीका में भी उसने इन्वेस्टमेंट किया। तो उस टाइम पे उसने काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया और इतना किया उस टाइम पे कि आप देखेंगे 2012 के बाद चाइना ने एक अपनी, जैसे डॉलर यूएसए की करेंसी है, यूरोपियन यूनियन की क्या है पाउंड है, उसी हिसाब से चाइना ने अपनी करेंसी उस टाइम पे निकाल दी क्योंकि उसने इतना पावरफुल मार्केट कर दिया कि उसने अपनी खुद की करेंसी निकाल दी जिसका नाम था रेनबी। उसकी खुद की यह करेंसी है जो आईएमएफ ने रिकॉग्नाइज कर दी और आईएमएफ की ये बास्केट में है। आईएमएफ के बास्केट में अब सिर्फ 3 या 4 या 5 करेंसी जिसमें से एक रेनबी भी है। इधर तक दोस्त किसी को डाउट चाइना का कैसे 2008 के बाद कैसा कैसा ग्लोबल कंसर्न स्टार्ट हो गया, इधर तक सब कुछ चीजें क्लियर है, किसी कोई डाउट? ये मैंने लगभग आपको ओवरव्यू में पूरी कहानी बता दी है। अब हम इसको बस पीडीएफ में गो थ्रू होंगे, कल और एक बार मैं और थोड़े इसके 2008 के बाद 2020 तक की मैं कहानी ले जाऊंगा। अभी मैंने 2008 के बाद की कहानी बताई, इसको मैं 2020 तक लेके जाऊंगा, फिर 2020 का हम पीडीएफ उठाएंगे और पीडीएफ में हम फिर और स्टार्ट करेंगे। ईरान साइन 400 बिलियन डॉलर डील विद चाइना, दिस इज ऑल्सो, बिल्कुल करेगा क्योंकि ईरान हमारा बहुत ज्यादा ऑयल और गैस रिजर्व का पार्टनर है, चाइना से उसकी डील हो जाएगी तो चाइना की तरफ ज्यादा कहीं ना कहीं टिल्ट हो जाएगा वो, और ईरान में हमारा बहुत स्ट्रेटेजिक छाबार पोर्ट भी है। दोस्त चेक कर लेना रेनबी कब का है, रेनबी 2012 में स्टार्ट हुआ, कब उसे रिकॉग्निशन मिला ये चेक कर लीजिएगा आप एक बार नेक्स्ट पे, 2012 में कंफर्म नहीं कह सकता। हाँ वही चाबार पोर्ट कैन बी एट रिस्क। और कोई दोस्त किसी को डाउट, किसी को किसी भी प्रकार का डाउट? अभी तक मैं पीडीएफ नहीं खोला हूं, आई मस्ट समझना, बिल्कुल भी अपना खत्म पे चल रहा है, अभी बस स्टार्टिंग पे ही चल रहा है। सबको क्रिस्टल क्लियर? किसी को भी किसी तरीके का डाउट हो पूछ लो भैया। सभी लिखे, सभी ने लाइक कर दी, उम्मीद है 20, 22, 24 लोगों ने लिखा है, तो 20, 22, 24 मेरे को लाइक पड़ जानी चाहिए, 20, 22, 24, 19 कमेंट हो जाने चाहिए, 20, 22, 19, 24 मेरे पे शेयर हो जाने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं ये वीडियो शेयर हो जाए, जो आपको चीज अच्छी लगे, जो आपके दोस्तों ने शायद कभी आपके दोस्तों का ही डाउट हो तो आप वो भेज सकते हैं। दोस्त इतना चीप लेबर नहीं है, इतना हमारा रिसोर्सेस का यूटिलाइजेशन नहीं है और हमारे पास फाइनेंस भी नहीं है, तीनों चीजें उतनी लेवल की नहीं है जितनी चाइना को है, आप सही कह रहे हो, लेकिन उस हिसाब से तीनों हमारे पास नहीं है। भाई हमारी टीम ने सवाल पूछा है, हमने उनसे यह भी पूछा है कि आप अपने हिसाब से खुद सवाल पूछिए और क्या हमारे दोस्त आपको देते हैं उस हिसाब से आप फीडबैक, उस हिसाब से आप तैयारी करिए अपनी और उस हिसाब से हमारी जो दोस्तों को बहुत से बढ़िया उनको सुविधाएं देने का हमने उनको कहा है। कोई फीडबैक दोस्त? पीडीएफ आपको टाइम टू टाइम मिल जाती है, पीडीएफ आपको सही मिल रही है, पीडीएफ का एक हिंदी मीडियम का इशू रह गया है, हिंदी में कन्वर्ट करने का, कोई अगर मेरे को बढ़िया दोस्त मिल जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है दोस्त, मैंने आपको बता रखा है कि जो भी नए दोस्त आते हैं उनको सारी पीडीएफ, मेरा चैनल है फ्रेश फॉरकास्ट, वहां से आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी, वहां ज्वाइन कर लीजिए, और एक हमारे दोस्तों का भी है वहां भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां बढ़िया बढ़िया क्विज होते हैं दिन भर, थोड़े ज्यादा होते हैं लेकिन ठीक है। उसके अलावा कमेंट वगैरह ज्यादा ना करें क्योंकि कई लोगों को डिस्टर्बेंस होता है, जो मान लीजिए कोई टेस्ट सीरीज दे रहा है कुछ करें, एक टाइम फिक्स कर लीजिए कि सुबह लेना और शाम में, बस दो करिए, क्विज ज्यादा मत करिए, अननेसेसरी मत करिए, अच्छे क्वेश्चन लाइए, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हो रहे हैं, बट ज्यादा करिए, मतलब दो करिए, 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन जो भी कर रहे हो आप लोग करो, अपने लेवल पे करो, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अच्छा करिए, अभी अच्छे हो रहे हैं, जब मैंने एक बार लास्ट टाइम और बोला तो उससे काफी अच्छे क्वेश्चन हो रहे हैं, और कम करो और चैट बिल्कुल मत करो पर्सनल की क्या है क्या नहीं है,
अननेसेसरी चैट मत करो, काफी जो दोस्त होते हैं उनको सही नहीं लगेगा, ठीक है? तो ये मेरी बस एक रिक्वेस्ट रहती है आप लोगों से। ठीक है फिर दोस्त, आज के लिए इतना करते हैं, बाकी कल 2010-12 के बाद हम 2020 तक इंडिया चाइना के रिलेशनशिप ले जाएंगे, फिर हम जितने भी कॉपरेशन है, एफर्ट्स है, जितने भी इश्यूज हैं, हम सबकी धीरे धीरे फिर बात करेंगे। ठीक है दोस्त, करें फिर आज के लिए टाटा। हिंदी में दोस्त करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, हिंदी का जैसा भी होगा हिंदी को करना है, बट क्या मैंने आपको शुरू में ही कहा हिंदी में दोस्त वर्ड कुछ अलग हो जाते हैं, तो क्या है फिर उस चीज का अर्थ का अनर्थ ना हो, इसलिए मैं वो अभी डिले कर रहा हूँ, बशर्ते आपको गलत चीज प्रोवाइड किए, मैं थोड़ा डिले ज्यादा बेटर समझता हूँ। तो जिस दिन मेरे को उसका बढ़िया सॉल्यूशन मिल जाएगा, कन्फर्मेशन मिल जाएगा कि हर चीज सही हो रही है हिंदी मीडियम की पीडीएफ में भी, मैं आपको हिंदी मीडियम की प्रोवाइड उसी दिन करा दूंगा। बिल्कुल कराऊंगा फलक, दीप सिंह, जितने भी हमारे दोस्त हिंदी मीडियम के, मैं उनको कराऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल समझ सकता हूँ इशिका जी जो आप कह रहे हैं, तो बिल्कुल मैं हिंदी में क्वेश्चन का बिल्कुल बोलूंगा। ठीक है दोस्त, कर सकते हो दोस्त, बिल्कुल कर सकते हो, आप टेक्स्ट कर सकते हो, जो भी आपको क्वेश्चन पूछ रहे हो आप बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है दोस्त, चलो फिर टाटा करें, चलो टाटा।